इंतजाम ना होने के बाद सहले इलाका परेशान है। किन परेशानियों से दो चार है या बात करेंगे मकसूद इलाही से। मकसूद, क्या बताएंगे इस हवाले से आप? यहाँ नालियाँ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं मस्जिद के लिए या कोई किसी जगह जाने के लिए, तो वो गंदे पानी की वजह से उनके कपड़े जो है नापाक हो जाते हैं। अक्सर लोग जो है वो गिर जाते हैं। हमारे साथ इस मोहल्ले के जनरल काउंसलर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अहले मोहल्ला रसूलपुरा जड़ा ना सारे का सारा ही जड़ा ना तबाह हो, सारिया गलियां टूटिया ने। पानी गलिया च जदों वाटर सप्लाई का पानी आता ना, सारिया गलियां पानी खड़ा हो जाता है ना। बच्चे सुबह के टाइम स्कूल जा सकते हैं, बच्चों नू प्रॉब्लम है। माँ बाप जिन्होंने कोई वसायल आए ने कोई गड्डिया च बहा के छड्ड आते हैं। बाकी तमाम गलियां जड़ियां ने ना वो गंदे पानी के डुब जांदियां ने, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। इस तरह नमाजिया का हाल है कि नमाजी भी जड़ा ना नहीं जा सकते। गुजारिश ही कर सकते हैं और बाबे बाग तैयार दे अगे के संभड़िया बड़ा अहम महला महला रसूलपुरा जिदियाँ सारिया गलियां टूट फुट का शिकार ने, तो इन्होंने गलियां बराए मेहरबानी बना दिया जाए। मैं दी हैं दरखास्तें, दरखास्तें हमारे पास कापियां मौजूद हैं, कई दफ़ा सर्वे भी कर चुके हैं। मकसूद इलाही हमारे साथ आप मौजूद थे संभड़ियाल से। प्रोग्राम का वक्त हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आपसे मुलाकात।